झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। डाल्टनगंज परिसदन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात किया। साथ ही बताया कि 20, 21 और 22 फरवरी को पारसनाथ मधुबन में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। वहीं मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बीटू पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम यहाँ पे इस जिले में संगठन की जानकारी लेने और कुछ अपने निजी कार्य से भी आए थे। हमारे एक मित्र की मृत्यु हो गई थी तो उनके परिजनों से हमको मिलना था और इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने समझा यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात हो, संगठन में जो कार्य चल रहे हैं, सदस्यता अभियान, उसकी प्रगति के बारे में। तो अच्छा लगा, यहाँ पे सांगठनिक गतिविधियाँ जो है उसमें सक्रियता संतोषजनक है, सदस्यता अभियान भी लक्ष्य की तरफ है और हम ये आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी देनी थी कि आगामी 20, 21 और 22 फरवरी को पारसनाथ मधुबन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 150 से ज़्यादा डेलीगेट, जिसमें हमारे राज्य के कांग्रेस के प्रभारी श्रीमान अविनाश पांडे जी, श्रीमान उमन सिंघार जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, ऐसे सभी बड़े नेता वहां पर उपस्थित रहेंगे। जो भी टॉप मोस्ट लीडरशिप है और जिलों के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठ करके विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, चिंतन मनन करेंगे।